हेलो फ्रेंड्स, मैं भी जकार्ता में हूँ और मेरी भी फ़्लाइट है मलेशिया के लिए, और मलेशिया से फिर मैं दिल्ली के लिए फ़्लाइट लूँगा। तो अभी जकार्ता एयरपोर्ट पे हूँ। तो मैं मेरी फ़्लाइट है 7 बजे की, तो मैं अभी 3 बजे होंगे आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तो चेक इन वगैरह करते हैं, मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ जकार्ता का। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये, यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है। 2 एयरपोर्ट हैं यहाँ पे, एक डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है जैसे हमारे दिल्ली में है। तो आप यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए, वो फ्री है। आई थिंक 5-10 मिनट लगती हैं आने जाने में। तो आप जब अभी मैं अंदर आ गया हूँ तो मेरे को चेक इन करना है। तो मैं एयरएशिया की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं देख रहा था उनका अभी तक कोई काउंटर ओपन नहीं हुआ है। तो मैं सोचा था सेल्फ चेक इन करता हूँ। मैं सेल्फ चेक इन के लिए अभी देख रहा हूँ, लेकिन एक दो मशीनें मैंने देखी है वहाँ पे, एयर एशिया का नहीं दिखा रहा है, दूसरी बाकी एयरलाइंस का दिखा रहा है। तो देखो अभी इसमें देखो, ये गरुड़ा है, गरुड़ा यहाँ की लोकल एयरलाइंस हैं। यहाँ पे मलेशियन एयरलाइन गरुड़ा, ये नहीं है आई थिंक, एयर एशिया का नहीं है। मैंने एक दो बंदों से पूछा भी है तो वो बोल रहे हैं कोई बोल रहा है इधर जाओ, कोई बोल रहा है उधर जाओ। तो मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा एयरपोर्ट पर घूमते हैं जब तक काउंटर ओपन होता है। मैंने सोचा भूख भी लग गई है तो कुछ खाने को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खाने को ना तो कुछ समझ में आ रहा है कौन सा वेज है कौन सा नॉन वेज है। नाम से ऐसे भी लिखे हुए हैं, ये जापानीज रेस्टोरेंट है यहाँ का। तो यहाँ मैं वैसे वेज खाता हूँ तो नॉन वेज नहीं खाता, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। वाल अपना बात है ये, जैसे मैं बर्गर वगैरह ही खाता हूँ यहाँ पे, तो और क्या खाएँ भाई, और कुछ खाने को नहीं। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में बर्गर किंग या डोमिनोज होते हैं, वहाँ पे वेज में मिलता है, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं मिलता है, ओनली नॉन वेज मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैंने भी एक था डोमिनोज का, मैंने वहाँ पर चेक किया तो बोल रहे हैं कि वेज में यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन अंदर ही काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी अच्छा है ये। इन्होंने कुछ बना रखे हैं, पत्थर से रखे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है इससे, अच्छा लग रहा है। मेरे को पानी की कोई जगह देखी, मैंने सोचा पानी भर लेते हैं, क्या करें। वैसे भी पानी यहाँ पे 300 रुपये का है, तो ये तो भर ही सकते हैं। तो आप कभी भी एयरपोर्ट पे आओ तो आप खाली बोतल लेके आ सकते हो। बाद में अंदर भी होता है एयरपोर्ट के, और जब आप एंट्री कर जाते हो तब भी होता है। तो आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत महंगा होता है, 10 रुपये का पानी नहीं होता, और एयरपोर्ट पे 300 रुपये ले जाता है चीज़ की। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखो। खाली बोतल के लिए कुछ नहीं बोलते, उनकी मशीन में नहीं आता है, जब हम भरी हुई बोतल होती है तब होता है। मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर जकार्ता एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया की जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो उनका मैप वगैरह, जकार्ता का जो टूरिस्ट प्लेस हैं, कहाँ से कैसे जा सकते हैं, ट्रेन मेट्रो और ट्रांसपोर्ट वगैरह का सब चीज़ लिखा हुआ है, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज का भी लिखा हुआ है। ये बुक्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसे जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। और जैसे वो उन्होंने डायरेक्शन बता रखी है कि आपको इस प्लेस पे, जो टॉप 20 इनके टूरिस्ट प्लेस हैं वो उनके नाम मेंशन है, आप कहाँ से कैसे डायरेक्शन में जा सकते हो, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, वो सब जगह लिखा हुआ है, होटल्स नेम एड्रेस वगैरह। तो बाहर के लोगों के लिए इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होगी। मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये बुक्स के फ़ोटोज़ वगैरह, किसी भाई को मतलब चाहिए तो। ये मैंने बुक्स एक दो वगैरह ले ली है, तो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और उससे आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे, जैसे हमारे दिल्ली में तो आई थिंक नहीं है, मैंने जितना देखा है कि ऐसा होना चाहिए। और बाहर के लोगों के लिए अच्छा लगता है ऐसे होता है। तो जैसे अभी मैं इंडोनेशिया में, तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते लोग इतनी, तो काफ़ी मुश्किल है, ट्रांसलेटर यूज़ करो। वरना अगर खुद का हो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतना नहीं है, जैसे हमारे दिल्ली में ऑटो वगैरह है तो ओनली जकार्ता में ही ऑटो चलते हैं, यहाँ पे और कोई सिटी में ऑटो ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है।
जकार्ता में अच्छा है, ये यहाँ का टूरिस्ट प्लेस अच्छा है, ऐसे ऐसे इन्होंने ये फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा रखे हैं। और अभी मेरा काउंटर ओपन हो गया है तो मैंने सोचा कि अभी टिकट वगैरह बोर्डिंग पास लेते हैं और फिर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करते हैं और बैठते हैं अंदर। उधर जाके मेरे को पिज़्ज़ा में खाना खाना है, देखते हैं अगर वो ओपन हुआ तो। पिज़्ज़ा हट में जाके, अंदर ही है पिज़्ज़ा हट, मैंने चेक किया था अपनी मैप में, मैंने अभी चेक इन और इमिग्रेशन कर लिया है। तो अभी मैं आपको अंदर का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। जैसे हमारे दिल्ली में क्या है कि अब जब आप चेक इन और इमिग्रेशन डन होता है तो वहाँ पे वाइन्स वगैरह की शॉप, 90% वाइन्स शॉप होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा जकार्ता में वाइन शॉप है ही नहीं। आई थिंक यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल हैं, आई थिंक इसलिए नहीं होगी, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन मैं जितना भी देखा है मैंने नहीं है। ये अच्छी अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छी चीज़ रखी हुई है इन्होंने, मतलब ऐसा रखना चाहिए यार। जैसे हमारे क्या है इंडिया में, आधे लोग दारू ख़रीदने के लिए ही एयरपोर्ट पे आते हैं, ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री है इसलिए एयरपोर्ट पे इसलिए आ जाते हैं कि कोई अपने रिश्तेदार फ़ोन करते हैं कि आप दारू ले आना आते वक्त, यही यही चलता है हमारे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा है वरना यार, ओनली दारू ही दारू ही, क्या दारू तो वैसे दुकान पर ही खरीद सकते हैं क्या ऐसे। लेकिन मैंने दिल्ली में ये देखा है कि काफ़ी सारी शॉप हैं। अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो ये हमारा एक काम है। तो मलेशिया 90% भी यहाँ से क्या है, मलेशिया भी एशिया का ज़्यादा ज़्यादा वो है, ओनली एशिया के लोग खड़े हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी आप मलेशिया के लिए फ्लाइट बुक करोगे तो आप एशिया, आपको एयर एशिया ही दिखाएगा, जो एक तो सस्ता है वो भी है, लेकिन एयर एशिया में क्या है कि मैंने एयर एशिया के लिए एक अलग से एयरपोर्ट बना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहाँ पे 99% आपको एयरक्राफ्ट एयर एशिया के ही मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। हमारे दिल्ली से तो आप आते हो तो मलेशिया एयर एशिया के एयरक्राफ्ट, एयर एशिया एयरलाइंस काफ़ी अच्छी सर्विस देती है। तो अभी मैं एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ गया हूँ, मेरे को विंडो सीट तो नहीं मिली, लेकिन ठीक है अभी मैं मलेशिया पहुँच गया हूँ। तो मैं आपको लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं दिखा पाया क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम था, तो मलेशिया में तो आप बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहा था मैं। तो अभी यहाँ पे मैं 12 बज गए, मेरा फ्लाइट है अभी 7 बजे, 6-7 घंटे मेरे को मलेशिया में वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बारिश हो रही है अभी, लेकिन मौसम ठीक है, इतनी सर्दी और गर्मी भी नहीं है, 24-25 डिग्री मौसम है। तो मेरे को अभी क्या है कि यहाँ से मेरे को इमिग्रेशन नहीं जाना है, मेरे को ओनली यहाँ से चेंज करना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो भी कोई भाई अभी आता है तो मलेशिया में क्या है कि मलेशिया में हमारे इंडियंस के लिए वीज़ा होना ज़रूरी है, तो और वो वीज़ा होना चाहिए, तो इसलिए कोई भाई बाहर ना निकले और ना इमिग्रेशन पे जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जहाँ के लिए चेंज करना है तो वो पूछ लो पहले कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं भी गलत चला गया था। फिर मैंने वहाँ पे जाके पूछा, वहाँ पे स्टाफ थे तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से ऊपर चले जाना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, मैं अभी दोबारा आया हूँ आपको दिखाने के लिए, ये प्लेस है, यहाँ पे इमिग्रेशन होता है। मैंने यहीं पे एक स्टाफ हैं वो जो आपको दिख रही हैं, मैंने उन्हीं से पूछा था, ये देखो ये इमिग्रेशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे हमको आना ही नहीं है, जो इंडिया से बंदा आ रहा है जिसके पास वीज़ा नहीं है वो यहाँ पे ना आए। तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाओ, वहाँ से आपके लिए या वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ से ट्रांसफ़र का सीढ़ियाँ वगैरह है, तो वहाँ से आप जा सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इतना वो नहीं है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये मलेशिया का, मलेशिया में भी 2 एयरपोर्ट हैं तो, लेकिन यहाँ पे एयर एशिया की फ़्लाइट आपको इसी एयरपोर्ट से ही मिलेगी। आपका जो दूसरा एयरपोर्ट है वहाँ पे एयर एशिया की फ़्लाइट नहीं आती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये कोलालंपुर 2 एयरपोर्ट है, आप अगर कोलालंपुर 1 पे चले गए तो आपको इमिग्रेशन पे जाना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान से बुक करना कि मेरा एयर एशिया से आ रहे हो तो आपका हमेशा एयर एशिया का फ़्लाइट
ट्रेमनल, यहाँ पे ट्रेमनल टू बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कोलालंपुर टू करके बोलते हैं, तो वहाँ पे जाओ आप, उसी के लिए ही चेक करके बुक करना। और यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है अभी, आई थिंक ये शाम को यहाँ से फ्लाइट ज़्यादा होती है, यहाँ से एयर एशिया की ज़्यादा होती है, तो आई थिंक बाकी ज़्यादा बाहर के कंट्रीज़ के लिए नहीं जाती होगी, तो ये यहाँ पे ज़्यादातर लोकल नहीं इतने ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे ओनली जो जिसको ट्रांसफ़र करना हो, जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हो, न्यूजीलैंड जा रहा हो, या और बाकी कंट्रीज़ जा रहे हैं, तो वो ही चेंजेस करते हैं मलेशिया से। अंदर काफ़ी अच्छा अच्छा एयरपोर्ट है, इतनी भीड़ नहीं है लेकिन अच्छा है। यहाँ पे भी वो नहीं है, वाइन शॉप वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे मेकअप की दुकानें ज़्यादा है, आई थिंक मेकअप का कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो मैंने बोला था ना आपको कि एयर एशिया के ही आपको एयरक्राफ्ट मिलेंगे, यहाँ पे ये देखो सारे लाइन में एयर एशिया का ही लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी देखो एयर एशिया का ही है। यहाँ अच्छा है, रेड रेड एयरपोर्ट्स, नीचे फ्लोर भी रेड लगा हुआ है, तो अच्छा है। मेरे को यहाँ पे देखना है कि मेरी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर पे आएगी, तो उसी के हिसाब से चलते हैं। और मेरे को कुछ खाना है, तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज भी करवाना था, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मनी एक्सचेंज है। तो ये देखो यहाँ पे आप कभी भी आओ ना एयरपोर्ट पे, तो ऐसी स्क्रीन लगी होती है, तो आप उसी से ही पता लगा सकते हो कि आपकी फ़्लाइट वगैरह कौन से गेट पे आ रही है, कितना डिले है, क्या है। तो अभी मैं मनी एक्सचेंज पे जा रहा हूँ, तो इधर ये पास में ही है, तो लेकिन यहाँ पे आई थिंक रेट 20 रुपये का है, आई थिंक एक मलेशियन का हमारे में, और यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, तो मनी एक्सचेंज तो मेरा हो गया है दूसरी जगह पे, फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। ये देखो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे पूरा मलेशियन एयरपोर्ट का मैप है, आप कौन सा आपको खाने का कुछ सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे Q8 पे जाना है, तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे का आप कहाँ पे किस कैसे जा सकते हो, इंफॉर्मेशन काउंटर कुछ भी सर्च कर सकते हो, खाने का, फ्लाइट के बारे में, ये देखो शॉपिंग, सर्विस कुछ भी चेक कर सकते हो। सर्विस में ये देखो बोर्डिंग बोर्डिंग गेट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ATM कहाँ पे है, तो ये अच्छा है। तो बाहर का बंदा आए तो कोई देख सकता है, जैसे फास्ट फूड कैफ़े फूड कोर्ट्स देखना है कहाँ पे फूड कोर्ट है, तो ये अच्छा है, मैथ वगैरह आता है, तो और इंग्लिश में है मेन सबसे बड़ी बात ये है, तो कोई भी बंदा इसको आसानी से चला सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, अच्छा है, आप यूज़ कीजिए। अभी हमारा 7 बज गया है, तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है दिल्ली एयरलाइंस दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के लिए। तो चलो भाई अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दिल्ली में, ठीक है, ओके बाय।